एक संविदा पर काम करने वाले का लाइसेंस बना करके हम नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। एक भी कार्यकर्ता का लाइसेंस नहीं है। कार्यकर्ता का सम्मान पर जाएगा जब बलिया का तहसीलदार एसडीएम अपनी बगल वाली कुर्सी पर हमारे मंडल के प्रभारी को बैठा लेने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरह वसूली करने के लिए नहीं जाते हैं थाने पर, तहसील में जनता की सेवा करने जाते हैं। एक लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी बार दरखास्त देनी पड़ती है, चौकी से लेकर के अब कलेक्टर तक की दरखास्त पहुंचती है, 6 महीना खत्म हो जाता है। लाइसेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हमारे जिले में बंदूक का नहीं छुरी का लाइसेंस नहीं बन रहा है। छोटी बात नहीं है माननीय परिवहन मंत्री जी, जाते जाते कलेक्टर ने बलिया का एक संविदा पर काम करने वाले का लाइसेंस बना करके हम नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। एक भी कार्यकर्ता का लाइसेंस नहीं है। बनारस में बनता है कि नहीं बनता है माननीय मंत्री? प्रभारी मंत्री जी आपने भी बनवाया है, और मैं तो विपक्ष में था तभी बनारस बनवा देता, लेकिन बलिया में नहीं बना। तहसील में हमारा कार्यकर्ता और दलों की तरह असूली करने नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तहसीलदार से एसडीएम से मिलता है और लोगों की पैमाइश के लिए, दाखिल खारिज के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर के जाता है, तो कचहरी में जो लोग बैठे हैं लेखपाल से लेकर के सीएम तक, वह सम्मान नहीं देते हैं जो सम्मान नहीं आते। माननीय मंत्री जी, मैं कहा तहसील में गया था, एसडीएम भी बैठे थे, तहसीलदार भी बैठे थे, और जिस तरह से लोग खड़ा होकर के अपनी फरियाद के लिए भटक रहे थे, पप्पू जी अभी गए थे, दर्जनों लोगों का हम लोगों ने काम कराने का काम किया। कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ जाएगा जब बलिया का तहसीलदार एसडीएम अपनी बगल वाली कुर्सी पर हमारे मंडल के प्रभारी को बैठा लेने का काम करेगा। थाने पर दरोगा हमारे मंडल का प्रभारी, हमारे जिले का प्रभारी और पदाधिकारी जाता है तो उससे कौन बात करना चाहता है? दलाल जी को विनोद द्विवेदी अपने बेडरूम में बुला लिया। एक लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी बार दरखास्त देनी पड़ती है, चौकी से लेकर के अब कलेक्टर तक की दरखास्त पहुंचती है, 6 महीना खत्म हो जाता है। चौकी से लेकर के और कप्तान के ऑफिस तक पैसा दिया जाता है, पहले भी दिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी में नहीं लिया जाएगा यह संकल्प लेकर के आपको हम लोगों के साथ लेकर के। अब तो दया संकल्प जी, मैं भी आपका तय करता हूं, मैं भी चर्चा करता हूं कि नहीं, तो हम लोगों का समय के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी एक दिन बुलाइए उच्च अधिकारियों को और फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरह वसूली करने के लिए नहीं जाते हैं थाने पर, तहसील में जनता की सेवा करने जाते हैं, और जनता की सेवा में जो व्यवधान पैदा करेगा उसका खैर। इन्हीं शब्दों के साथ, आग्रह के साथ, अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए पुनः मैं परिवहन मंत्री से, प्रभारी मंत्री से आग्रह करूंगा, एक मीटिंग कीजिए जिला के अधिकारियों को, और जिस भावनाओं को हमने व्यक्त किया है उसको उसके सामने रखे और न्याय दिलाइए कार्यकर्ता को। यही कार्यकर्ता गांव गांव जाएगा और जो माहौल बिगाड़ा है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, उसको फिर बनाने का काम करेगा। अब 27वें प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा।